तो हेलो एवरीवन, अपन आज देखेंगे कि अपन को जो कमीशन वर्क मिलते हैं उसकी जो पैकेजिंग है वो अपन कैसे करें। जैसे अपन को कहीं भेजना होता है, जैसे मान लो अपन को मुंबई भेजना, दिल्ली भेजना, कहीं से भी भेजना, लेकिन वो टूट ना जाए बीच में, फ्रेम रहते नाजुक रहते थोड़े से में टूट सकते हैं, तो अपन उसे किस तरीके से अच्छे से पैक करें आज अपन देखते हैं। तो इसके लिए ये रहा रेफरेंस, रेफरेंस कह रहा अपना कमीशन वर्क, तो मुझे ये भेजना है। तो आपके पास बहुत अमेजोन के पैकेज आते होंगे, आज के जमाने में सबके पास खूब अमेजोन के डब्बे रखे होंगे, तो उनका यूज करो। अभी मैंने रिसेंटली ऑर्डर करा था तो उसके साथ मुझे फोम वगैरह मिला था, तो मैंने ये संभाल के रख लिया, तो मैं आज इसका यूज करूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो ये फ्रेम रहता है इसे अपन जरा रैप कर लेंगे ताकि इसमें जो स्क्रैचेस हैं वो नहीं आए। तो ये पॉलिथिन असल में ये फ्रेम के साथ ही आती है, आपको इतना ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है। इसे मैं आराम से पैक कर लूं दोबारा। ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसके ऊपर अपन को मोटा वाला टेप यूज करना। ठीक है, अभी जो फोम थी अपन इसे लगाएंगे। ठीक है, आराम से प्रेस कर लो। ये जो ग्लास रहता है या प्लास्टिक की जो शीट रहती है, इसके ऊपर इसे प्रोटेक्ट करना है अपन। अच्छे तरीके से जरा टेप लगा देंगे इसमें, तो इसे जरा आराम से लगा लो। ठीक है, ये आगे की तरफ हो गया। अब इसे पलटो, दूसरा उठाओ और इसे लगाते हैं अपन अभी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो जो सामने वाला हिस्सा और पीछे वाला जो मेन अपना हिस्सा रहता है, ये सेंसिटिव पार्ट, वो अपना अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हो गया। अब अपन को जो साइड्स है, क्योंकि आपको पता है कुरियर वाले आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, वो ऐसे उल्टे सीधे फेंकते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे एक भी हिट लगा आपका पूरा फ्रेम टूट जाएगा। तो अब अपन साइड प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे इस तरीके के पर्सनलाइज नोट छोड़ना अच्छा लगता है हैंडमेड पेपर पे, तो मैं जरा ऐसे चिपका दूंगा अब इधर पे। थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम अस, वी होप टू हियर फ्रॉम यू। ठीक है, अच्छा लगता है इस तरीके का मैसेज। अब देखो, फोम आपके पास खूब आया होगा, नहीं आया होगा तो जो बबल रैप आते ना उनका यूज करो। उल्टा सीधा जो टेप लगा है उसे हटा देना। अब क्या करेंगे अपन, इस तरीके से रखो, ओके, और ये यहाँ ये साइड पे फोल्ड कर दो। ठीक है, इस तरीके से ये साइड पे अपन फोल्ड कर देंगे। उसके लिए पहले टेप निकालो। ओके, टेप निकाला, अच्छे तरीके से जरा यहाँ लगा दो। ओके, इस साइड भी करते हैं, तो इस साइड भी दूसरा लगा लो। ओके, अब जरा इस साइड्स का देखते हैं अपन, इन्हें अपन को अच्छे तरीके से करना है। तो यहां से फोल्ड करके जरा अंदर करो। ठीक है, भाई थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है इसे निकाल लो और फिर साइड को अच्छे तरीके से टेप से कवर करो। देखो, कंजूसी नहीं करना है इसमें कि टेप बहुत यूज हो रहा है, ये बहुत यूज कर हो रहा। अगर आपके कस्टमर के पास ढंग से नहीं पहुंचता है तो वो वैसे भी आपको नेगेटिव रिव्यू देगा। ओके, पर ये बात अच्छी नहीं है, अपन जो चीज शिप कर रहे हो अगर वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हो साइड पे अगर कुछ इम्पैक्ट आता है तो उससे अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम चीज अपन दोनों साइड कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो ये अपना तैयार हो गया है। तो अगर साइड से भी कुछ इफेक्ट आता है इसका तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा अपना। ओके, अब अपन इसे या तो न्यूज़पेपर में रैप कर लो, आपके पास कोई अमेज़न का ही पैकेट पड़ा हो जैसे मेरे पास था, तो मैं इसी में करूंगा। लेकिन एक बार ध्यान रखना, ये जो स्लिप आती है ना यहाँ पे, ये हटा लेना, हटाओ नहीं तो इसी के ऊपर लगा लेना। ओके, और इसे क्रॉस कर लेना अच्छे तरीके से। ओके, तो ये इस तरीके से अपना तैयार हो जाता है। लेकिन अभी भी अपन को क्या है, अमेजोन पे जितना ये सब दिखाए ना, इसे जरा
करना वो करना है, हटाना है जो है ना जिसपे नाम वाम सब लिखा है, सिर्फ एक मार्कर की मदद से सब इरेज कर लेना ये। एक बार इसे भी जरा अच्छे तरीके से टेप से कवर कर दो। अब बस अपन को एड्रेस लगाना है और इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना एड्रेस, ताकि ये वाली जो स्लिप है वो ढक जाए। देख सकते हो मैंने पूरा काट दिया पीछे भी जहाँ अमेज़न वगैरह का साइन रहता। तो इस तरीके से कि बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने किसी का डिलीवर करते हो, वह जाएगा अच्छे तरीके से, उसे पैकिंग दिखेगी और इस तरीके से क्या सेफ भी रहता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना आप नेक्स्ट वीडियो किस बारे में देखना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।